हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है। राइस स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल चीला डाइट बताने जा रही हूँ मैं आपको, और ये मूंग दाल चीला बनता कैसे है मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग वाटर से। अर्ली मॉर्निंग इसमें आप लेमन वाटर लेंगे, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, और उसके अंदर एक नींबू डाल के उसके बाद हम ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में इसमें मूंग दाल चीला लेंगे। वो मूंग दाल चीला कैसे बनता है तो चलिए आपको वो बना के दिखाती हूँ मैं। ये मूंग दाल चीले के लिए हमें ये मूंगी छिलके वाली है वो लेनी है। इसको मैंने रात में भिगो दिया था और अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें साथ में ही डाल देंगे इसके, ताकि ये पीसने में आसानी से पिस जाए। ये पिस गई हमारी मूंग दाल। इसका अब हम चीला बनाएंगे और उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर, ये बारीक कटे हुए होने चाहिए, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, और इसमें मैंने ये कलौंजी, ये कलौंजी होती है ब्लैक कलर की, इसको लिया है। ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये गर्म होते हैं, तो इसको हम तवे पे थोड़ा सा भून के फिर इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मैंने फ्लैक्स सीड्स को पीस के रखा हुआ है, मैं इसमें वो थोड़े से मिक्स कर रही हूँ। गर्मी में फ्लैक्स सीड्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। विंटर्स में हम इसको आराम से ले सकते हैं। और इसमें नमक भी, सेंधा नमक इस्तेमाल किया है मैंने। नमक हमेशा हमें कम इस्तेमाल करना है, अगर हमें वेट लॉस जब भी हम कर रहे हैं, नमक सेंधा नमक इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ऑयल बहुत कम यूज़ करना है और शुगर भी बिल्कुल बहुत कम, जितना अगर आप अवॉइड कर सकते हैं शुगर को तो छोड़ ही दें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये पैन मेरा इधर गर्म हो गया है। इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल लेंगे, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल रहने भी दे सकते हैं, पर थोड़ा सा चिपके ना, इसके लिए बहुत हल्का सा ऑलिव ऑयल मैंने लगाया है ताकि इस पर चिपके ना। और ये पतले पतले बनाएंगे, ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम इसका एक ही चीला लेंगे, लंच में दो ले सकते हैं और डिनर में एक, अगर डिनर में अवॉइड करना चाहे तो रहने भी दें। ये जो मूंग दाल चीला है इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट के आसपास हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि दाल है तो इसको पकने में टाइम लगेगा। 5 मिनट इसको हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेते हैं। ये इधर से भी थोड़ा, जितना पतला बनाएंगे उतना सिकने में जल्दी सिक जाएगा। ये बहुत ही वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये मेरी सारी सेल्फ टेस्टेड डाइट्स हैं, ये सब कुछ मैंने खुद फॉलो किया है और अभी भी करती हूँ अपने वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए, या वेट को और कम करने के लिए। ये बहुत, अगर सुबह ही अगर इसका एक चीला भी हम खा लेते हैं तो दोपहर के 1-2 बजे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। ये बहुत ज़्यादा, ये वेरी फिलिंग फूड है, डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि जो ये मूंग दाल है इसको हम ग्रीन ग्राम दाल भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन में। इसके अंदर मैग्नीज होता है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोरेट है, कॉपर है, जिंक है, और भी बहुत ज़्यादा वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, विटामिन है काफ़ी सारे। दूसरी तरह से भी इसको सिकने में टाइम लगेगा, 5 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे मीडियम आंच पर, बीच में थोड़ा सा हल्की आंच भी, और ये हल्का सा ऑलिव ऑयल हम लगा लेंगे ताकि नीचे चिपके ना, नॉनस्टिक पैन में अच्छा बनेगा। हाँ, जब तक ये सिक रहा है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि सुबह हमें ब्रेकफास्ट में इसके साथ क्या लेना है। एक ये मूंग दाल का चीला बनाना है हमें, उसके साथ में हमें घर की बनी हुई ये धनिया पुदीना की चटनी है। घर की बनी हुई धनिया पुदीना की चटनी की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इसकी रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। इसके साथ हम जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा ये एक मूंग दाल चीला होगा, उसके साथ हम घर की बनी हुई हरी चटनी होगी धनिया पुदीना की, प्लस उसके साथ हम लेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क जो लेंगे उसमें हम दही सिर्फ 1 चम्मच मिक्स करेंगे,
सिर्फ एक चम्मच दही होगा, बहुत ज्यादा नहीं कि आधा हमने गिलास दही का ही बलिए, नहीं सिर्फ एक चम्मच दही होगा। उसके अंदर हम मिर्च कर मिक्स करेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी और जीरा पाउडर। इसमें हम सॉल्ट मिक्स नहीं कर, सॉल्ट हमें मैक्सिमम, अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें सॉल्ट को मैक्सिमम अवॉइड करना पड़ेगा। सैलेड हमें जब भी लेना है हमें ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना। कभी ऐसा मन भी करता है तो हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं, बहुत कम चुटकी भर, लेकिन सॉल्ट वगैरह को, सेंधा नमक यूज कर लो आप, काला नमक यूज कर लो, लेकिन सॉल्ट जो है उसको कम करो। शुगर अगर आप लेते हो, दो या तीन चम्मच शुगर ले रहे हो तो शुगर को कम करो, दो चम्मच है तो एक चम्मच करो। और इसके हम ये वाला हम बटर मिल्क लेंगे साथ में, मैक्सिमम पानी होगा, दही बहुत कम होगा, सॉल्ट अवॉइड करेंगे, सिर्फ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा वो भी। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट में हम एक चीला ग्रीन चटनी प्लस बटर मिल्क के साथ लेंगे। 10 बजे तक हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद 12 बजे के आसपास हमें दो कीवी लेने हैं। उसके बाद हमारा लंच है 2 बजे के आसपास। लंच में हमें ये वाला चीला दो लेने हैं, इसको कर्ट के साथ लेना है। उससे लेने से आधा घंटा पहले हमें सैलेड लेना है। सैलेड में जो भी आपके पसंद का ब्रोकली है, खीरा है, प्याज टमाटर, जो भी आपको सैलेड में पसंद है वो आप सैलेड में ले सकते हैं, पर सैलेड में कभी भी नमक ऊपर से नहीं। 4 बजे हमें ग्रीन टी लेनी है, उसके साथ में हमें मुरमुरा लेना है। ये के बाद 6 बजे हमें एप्पल शेक लेना है। एप्पल शेक बहुत सिंपल है, एक एप्पल लेंगे और उसको मिल्क में मिक्स करके हम उसको बनाएंगे। चलिए ये भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं इसको। ये हमने एक एप्पल लिया है और इसमें हम एक ग्लास ही मिल्क यूज करेंगे। मिल्क जो है डबल टोन लेंगे, अगर डबल टोन नहीं है तो थोड़ा पानी मिला लेंगे। बहुत सिंपल, इसमें और कुछ नहीं मिलाना, कोई शुगर नहीं मिलाना। ये हमारा एप्पल शेक रेडी है। हमारा एप्पल शेक रेडी है। हम चाहें इसमें तो फ्लेक्सीड्स का जो पाउडर मैंने आपको दिखाया था वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको रेन नहीं भी डाल सकते। इस तरह से 8 बजे हमें सिर्फ पपाया लेना है। 8 बजे हम पपाया काफ़ी मात्रा में ले सकते हैं, उसको बाउल भर के खा सकते हैं उसको, लेकिन और कुछ भी रात में नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको राज की बात बताऊं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपना डिनर हर हालत में हल्का करना हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए उसमें, और मैं आप उसका रिप्लाई करूंगी आपको। और अपने लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज मस्ट है, ज़रूर एक्सरसाइजेस कीजिए, हेल्दी फूड्स लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो थंब का बटन ज़रूर हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस